के मौसम में इंदौर में गरीब लोगों को ठंड से बचाने का बीड़ा राऊ के एडिशनल एसपी देहात धर्मराज मीना, पूर्व एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे व थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने उठाया हुआ है। इस मिशन में अब तक गरीब लोगों को करीब 6800 कंबल बांटे गए हैं। इस दौरान इसी श्रृंखला में वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में आज पिगडंगरम राऊ के पास स्थित इंदौर कैंसर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में कैंसर के मरीजों को कंबल बांटे गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महू एडिशनल एसपी धर्मराज मीना व इंदौर के पूर्व एडिशनल प्रशांत चौबे भी उपस्थित हुए। इस मौके पर हॉस्पिटल प्रमुख ने पुलिस की इस कार्य की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही यह पहल लोगों को जागरूक कर रही है। इस दौरान मुख्य राऊ थाने के उप निरीक्षक अनिल पराशर ने बताया कि जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण का कार्यक्रम प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसका समापन मंगलवार को कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों को कंबल वितरण किया गया। अनिल पराशर ने बताया कि राऊ पुलिस फील्ड वर्किंग के अलावा भी समय समय पर सामाजिक कार्य करती रहेगी। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। डॉक्टर एस के वर्मा जी के मार्गदर्शन में ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छी तरह से संचालित हो रहा है, तो हमारे थाना प्रभारी राऊ के नेतृत्व में इनकी टीम ठंड के सिपाही के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इन्होंने मैं पुस्तक ये मैसेज पहुंचाया कि क्यों ना हम जो कैंसर पेशेंट हैं उन तक एक छोटी सी सहायता पहुंचाने का काम करें। आज एक बहुत ही उपयुक्त दिन था। एक तो कैंसर पेशेंट्स को हम लोग कुछ थोड़ी बहुत सहायता प्रदान करना चाहते थे, साथ ही साथ कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर था। जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं, न केवल जो इस हॉस्पिटल में हैं बल्कि गांव देहात में या और अन्य क्षेत्रों में, उनको भी कैंसर के प्रति जागरूक होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं जो दिन रात ड्यूटी में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनमें भी इस बीमारी की बहुत संभावना बनी रहती है। तो आज हमारे इस प्रयास के माध्यम से और डॉक्टर एस के वर्मा जी के निर्देशों के अनुसार हम लोग उन तक भी ये जागरूकता ले जाने का प्रयास करेंगे, ताकि पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी स्वच्छ और स्वस्थ दिनचर्या को हम बना सकें, और उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने इनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। जैसे बात करें सोनाली नंदर को भी कैंसर हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके लड़ने की क्षमता ने उसको उस पर जीत दिलाई। और देखो, आप लोग सब जानते हो कि आज उस बीमारी से वो ओवरकम हो गए और एक अच्छा जीवन जो नॉर्मल व्यक्ति का होता है वो जी रहे। तो मैं उन्हें, डॉक्टर साहब का, हमारे स्टाफ का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि ये हम लोग कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी बहुत छोटी सी मदद है, हमारा एक छोटा सा स्टेप है जो हमारा पुलिस स्टाफ अपनी भावना से आपको दे रहा है। प्लीज़ आप सहृदयता से इसको लीजिएगा, और कभी कोई आपको कष्ट पड़े तो हमारे स्टाफ की याद कीजिएगा, बहुत अच्छा स्टाफ है, आप लोगों की सहायता करेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ल्ड कैंसर डे के दिन आप लोगों को जो इस बीमारी से ग्रसित है इससे लड़ने की क्षमता दें, और मैं इस मजबूत टीम से मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सहायता करते रहिए। किसी मोड पर यदि हम लोग आपके कुछ काम आ सके तो हमको याद कीजिएगा, अगर हमारी क्षमता में होगा तो निश्चित रूप से हम लोग आपकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।